क्यों लिया? क्योंकि धर्म तेरे साथ है। वैसे मैं एक बात कह दूं, कहानी कहते हैं कि अर्जुन कृष्ण के पांव की ओर बैठ गया था और दुर्योधन सिर की ओर। इसलिए कृष्ण ने कहा पहले तू मांग, दोनों गए थे ना सहायता लेने कि हमारे ओर से लड़िए। और कृष्ण ने कहा कि देखो मैंने तो पहले अर्जुन को देखा, पांव की तरफ था ना, आंख खुली तो पांव की तरफ नजर गई, तो इसलिए पहला मौका अर्जुन को मिलेगा। पर सोच के देखिए अगर कहीं कहानी उल्टी हो जाती कि उधर दुर्योधन बैठ जाता और अर्जुन सिर की तरफ बैठ जा तो कहानी क्या हो जाती। हमारे चित्त से ये बात बहुत क्लियर रहनी चाहिए कि वैराग्यवान चित्त ही वेदांत का अधिकारी है, और वेदांत को फ्री टिकट नहीं बनाना चाहिए भोग और पाप करने के लिए। कि कोई जाकर किसी की हत्या कर रहा हो और कहे ना हन्यते हन्य माने शरीर है, और वो मार रहा हो लोगों को ये डायलॉग बोल बोल के कि अरे देही तो मरती है आत्मा कहाँ मरती है, चल तू भी मर जा तू भी मर जा, तू जो मेरी बात ना सुने मैं उसी को गोली मार दूं, तो बड़ी खतरनाक बात हो जाए। ये तो रावण वाली बात हो जाए, आसुरी बात हो जाएगी। अब इस बात को मैं वापिस अपने विषय पे आती हूं। ततर त्वम में एकता बनानी नहीं है, एकता है पहचाननी। अब पहचानने के विषय में वो कहते हैं कि तीन प्रकार हो सकते हैं, जहत अजहत और भाग्यग लक्षणा। मैंने तीन लॉजिक्स उन्होंने दिए हैं कि इनमें से किसी एक के साथ अब एक एक करके सब ट्राई करके कहते अब समझ लेते हैं कि हमने तत्व और त्वम की एकता कैसे बनानी है। तो जैत लक्षण के विषय में कहते हैं अत्र गंगायाम घोषम प्रतिवस्ती थी वाक्यात् जैत लक्षण अपि न संगच्छते। अगर कोई ये कहे कि गौशाला कहाँ है और आदमी कहे जी गौशाला तो गंगा पर है, तो यहां क्या गंगा पर गौशाला हो सकती है? तो इसमें अर्थ हमको क्या लेना पड़ेगा, हमें गंगा छोड़ देनी पड़ेगी, तो अर्थ क्या निकालेंगे कि गंगा के किनारे पर गौशाला है, गंगा में नहीं है। किसी को पूछा तुम्हारा घर कहाँ है, कहते रेलवे फाटक पर, तो उसका अर्थ क्या है, रेलवे फाटक के पास। तुम्हारा घर कहाँ है, बोले वो जो मंदिर नहीं है लक्ष्मी नारायण वहीं पे, तो अब क्या वो मंदिर के अंदर भगवान बन के बैठ के रहता है, पर उसका अर्थ क्या है, मंदिर के पास। तो ये क्या है, जहत लक्षण। अब कहते वाक्यवाद जहत लक्षण में हम इसी को अगर हम अप्लाई करना चाहें जहत लक्षण को, तो हम कह रहे हैं तत्त्वम् असि तत्त्वर त्वम् एक है, तो इसमें हम तत् को छोड़ दें तो पीछे क्या बचा, तो एकता किसके साथ करें। एकता तो दो में हो सकती है, तत् और त्वम, बोले तत् कहाँ है, बोले त्वम में, तो यहां तो फिर त्वम को ही छोड़ना पड़ जाएगा ना। दूसरा के वो कहते कि तत्र तु गंगा घोषाय आधारा आध्येय भाव लक्षणस्य वाक्यार्थस्य अशेषतः विरुद्धत्वात्। गंगा और गौशाला की उदाहरण में गंगा में गौशाला नहीं है, गंगा के किनारे में गौशाला है, तो वहां गंगा को छोड़ के अर्थ निकालना पड़ेगा कि उसके पास। तो हम यहां एक चीज हमने छोड़ी है तब बात बनी है। तो अब अगर हम कहें कि अगर पूरा ही भाग छोड़ करके फिर बात समझनी पड़ेगी, तो तत्त्वम् असि में हम अब तत्व को छोड़ें कि त्वम को छोड़ें, किसको छोड़ें? ना तत्व को छोड़ सकें क्योंकि बात तो दोनों की एकता की हो रही है,
तो भगवान अलग, हम अलग। अब जब अलग ही होगे तो मिलेंगे कैसे? दो हैं, उस दो में क्या समान है वो ढूंढना पड़ेगा, क्या विरुद्ध है वो छोड़ना पड़ेगा। तो जहत जो है, लक्षण जो है, वो ठीक से चलता नहीं है। अत्र तु परोक्षा अपरोक्षा चैतन्य एकत्वा, परोक्ष और अपरोक्ष दोनों की एकता कहते करें कैसे? अब मैं हूं ये मुझे मालूम है, ईश्वर परोक्ष है, ईश्वर परोक्ष है, मैं हूं ये सबका अनुभव है। कोई इस दुनिया में ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो ये कहे मैं नहीं हूं। किसी को भी यह अनुभूति नहीं हो सकती। देखो वो ये तो कह देंगे कि भगवान नहीं है, कम्युनिस्ट हैं, माओइस्ट हैं, वो कहते भगवान तो है ही नहीं। अच्छा चलो मान ली तुम्हारी बात, तुम हो, क्या मना कर देगा कि मैं भी नहीं हूं? अच्छा बौद्धों में, शून्यवादियों में वो कहते हैं नहीं जी मैं भी नहीं हूं, सिर्फ शून्य है। तो वेदांत का फिर वही तर्क आ जाता है कि शून्य है तो ये कौन कह रहा है? जो कह रहा है वो है। चलो माना तुम शून्य नहीं हो, ये तो हम भी कह रहे हैं शून्य आत्मा नहीं है, इट्स फाइन, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। बागांतरम अपि परित्यज्य अन्य लक्षण्यात् अयुक्तवात्। एक को छोड़ना, एक को माने तत्र चम में कहते हम किस हिस्से को छोड़ दें। अच्छा चलो ऐसे करते हैं, तत् और चम का स्वरूप जो कहा गया विचार चंद्रोदय को याद कर लेना, परिभाषा जो उसमें दी थी, जीव है अविद्या वाला और ईश्वर को कहा वो माया वाला है, जीव अल्पज्ञ है ईश्वर सर्वज्ञ है। अब वो कह रहे इन दोनों की एकता, तत् और त्वम की एकता कैसे करें? अब कौन सा हिस्सा छोड़ें और कौन सा हिस्सा पकड़ें? अगर हम कहें ये भी ये तो मिलता नहीं, ये भी इसके साथ मिलता नहीं, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, तो हम काट के ही बैठ गएंगे तो मिलाएंगे किसके साथ? नाचा गंगा पदम सर्वर स्वार्थ सर्वर्थ परित्यागेन तीर पदार्थम यथा लक्ष्यति तथा तत्पदम त्वम पदम व स्वार परित्यागेन। कह रहे जब हम ये कहते हैं कि गंगा को छोड़ दीजिए, गंगा के किनारे को पकड़ लीजिए, गंगा में गौशाला नहीं है, गंगा के किनारे में गौशाला है, ठीक इसी तरह से तथा तत्पदम त्वम पदम वा स्व अर्थ परित्यागेन, इसी तरह से त्वम और तत् में चेतना को छोड़ देते हैं। चेतना जो चैतन्य है ना उसको छोड़ देते हैं। अच्छा फिर मिलाएं किसको? तो बात नहीं बनती है, बड़ी इलॉजिकल सी बात हो जाती है। इसलिए कहते हैं ये जो जहत लक्षण है, कुतः जहत लक्षणा ना संगच्छत इति वाच्यम। इसलिए तत्व और त्वम पदार्थ की एकता में जहत लक्षण वाली जो लॉजिक है वो काम नहीं देती। अब दूसरी आती है, तत्र तीर पदा अश्रवनेन तदर्थः अप्रतीतौ लक्षणया तत्प्रतीति अपेक्षयामापि तत्त्वं पदयो श्रूयमाणत्वेन तदर्थ प्रतीतो लक्षणया पुनः अन्यत्रापदे अन्यत्र पदार्थ प्रतीति न अपेक्षा भावात्। अब इसमें वो कहते हैं कि जो तीर पदा, तीर किनारा, वो
वो इतना स्पष्ट नहीं हो रहा। कहां है गौशाला? बोले गंगा पर है गौशाला। तो बोले स्पष्ट नहीं है ये। थोड़ा और स्पष्ट करने के लिए, तत् और त्वम में क्या चीज स्पष्ट है? चैतन्यता स्पष्ट है। दूसरी लेते हैं, सत्यता स्पष्ट है, आनंदपन स्पष्ट है, जहत और अजहत का फर्क है। एक में हम पूरा त्याग रहे हैं, एक में हम पूरा ले रहे हैं। अब हम पूरा ले लें तो फिर ईश्वर माया वाला, जीव विद्या वाला, त्वम और तत् में ये तो दो विरोधी हैं। वह अल्पज्ञ है, वो सर्वज्ञ है। पहले किनारा छोड़ा, दूसरे में कह रहे किनारा पूरा ले लो। इसको ऐसे समझो ना, जैसे किसी ने कहा वो लाल दौड़ा जा रहा है, लाल दौड़ा जा रहा है। भाई लाल रंग दौड़ सकता है क्या? लाल रंग का घोड़ा दौड़ा जा रहा है तो बोलने में क्या बोला? तो वो रंग को कह रहा है कि घोड़े को कह रहा है? इसमें हमने उस वस्तु को पूरा का पूरा ले लिया, छोड़ा नहीं, कुछ भी नहीं छोड़ा। जहत में छोड़ा था, अजहत में बिल्कुल नहीं छोड़ते। जैसे कभी आप बाजार में गए, आपको चाहिए रिक्शा, आप आवाज मारते हो ए रिक्शा इधर आ, तो रिक्शा चल के आ रहा है। आप रिक्शे को बुला रहे हो कि रिक्शा वाले को बुला रहे हो? किया ऐसा कभी? ए रिक्शा, ए ऑटो रुक जा। ऑटो के कान हैं क्या? ऑटो के तो कान नहीं है, पर रुका तो ऑटो ही है, क्योंकि जो ऑटो को चला रहा है वो जानता है कि ये मुझे रुकने के लिए कह रहे हैं। पूरा का पूरा त्यागना पड़ेगा। लक्षण्या पुनः अन्यत्र पदे अन्यत्र पदार्थ। हम क्या अर्थ लगाना चाह रहे हैं, हम क्या ढूंढना चाह रहे हैं, पहले तो हमें यह मालूम होना चाहिए। बट इन एनी केस, अजहित जो है वो इसमें चलती नहीं है। अत्र शोणु दावती थी। वाक्यवात अजहित लक्षण अपि न संभवती। बात जो मैंने पहले कह दी श्लोक, उसका बाद में आया महावाक्य में, तत्वमसी में। ये संभव नहीं है कि हम लिटरली दोनों में से किसी भी एक चीज को छोड़ें या सिर्फ एक ही चीज को पकड़ लें। दोनों नहीं चलते। 165वां जो श्लोक है, इसमें भी बात वही दोहराई जा रही है के शोन गुण गमन लक्षणस्य वाक्यर्थस्य विरुद्धत्वात्। जब हम ये कहते हैं कि लाल रंग दौड़ रहा है, तो हम लाल को पूरा का पूरा त्याग के जिस घोड़े का लाल रंग है हम उसको पकड़ना चाहते। तो लाल त्यागने में, घोड़े को पकड़ने में, अब ये अजीब सी बात हो गई। अब तत्व में हम किसको छोड़ें और किसको पकड़ें? ऐसे ही अत्र तु परोक्षत्वा अपरोक्षत्वा आदि विशिष्ट चैतन्य एकत्वस्य वाक्यार्थस्य विरुद्धत्वात्। तत्त्वम में वो कहते हैं एक तो परोक्ष है, दूसरा अपरोक्ष है, दोनों में चैतन्य एक है। अब इनका अगर हम बिल्कुल लिटरल मीनिंग अगर हम निकालने लग जाते हैं, तो बात होती है कि परोक्ष और अपरोक्ष का मिलान कैसे करें। दो अपरोक्ष को हम मिला लें, चलो मान लिया। अच्छा, दो परोक्ष को हम मिला लें, जैसे स्वर्ग नहीं देखा है ऐसे नरक भी नहीं देखा है,
तो आप कह सकते हैं जी दोनों ही परोक्ष हैं। तो कोई कह सकता है जी दोनों मेरी कल्पना में हैं, कोई कह सकता है जी हमारे दादा तो दोनों में घुमाए थे। कुछ भी बोल लो, अब तो जो देखी गई कभी नहीं वस्तु उसके बारे में मात्र कल्पना हो सकती है, और जो अपरोक्ष है, जो स्पष्ट है, जो वर्तमान में है, जो तुम्हारी अनुभूति में है, उसमें किसी कल्पना की जरूरत तुमको नहीं होती। तुम्हारा मन कैसा है ये तुम जानते हो या कोई और? ये आपका अनुभव। कभी कभी जब लोगों से पूछो आप कैसे हो, कहते ठीक है, पर अंदर ठीक होते नहीं है, पर वो जानते हैं ना कि वो ठीक नहीं है। आप कैसे हैं? जी ठीक है। नहीं पर तुम्हारी शक्ल तो बड़ी उतरी सी लग रही। हाँ वो रात भर सोए नहीं, थोड़ा ये हो गया, थोड़ा वो हो गया, पर वो अंदर से जानता है और अपने मित्र को फिर बता भी सकता है, लेकिन मन कैसा है ये तुम जानते हो, कोई और नहीं। तो त्वम में अपरोक्ष है, तत् में अच्छा। ये देखो सब धर्मों की खिचड़ी गुड़ गोबर यही होता है। कोई कहता ये है ईश्वर, कोई कहता वो है ईश्वर, कोई कहता ऐसा है ईश्वर, कोई कहता वैसा है ईश्वर। भाई है कैसा? वो कहते जैसा मर्जी मान लो, देखा तो है नहीं।